स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगो का कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्या है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज एबीसी, कोई समकोण त्रिभुज है एबीसी है, एसी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एबी बराबर 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 15 या 15 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है कोण B के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर दे। इस तरह क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन से आपको लगभग सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेना है, तो हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री क्या होगा, कौन होगा, फिर से ध्यान देंगे। आपका फिगर है कि एबी, एबी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है वही क्या होता है, कर्ण। इसीलिए सबसे बड़ी वाली भुजा ये है, ये क्या होगा, कर्ण। तो ये सबसे बड़ी भुजा कौन है, 15 12 9 में सबसे बड़ा 15 है, इसीलिए 15 ये होगा, ठीक है। ये कितना है, बी सी, यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, बी और सी, तो ये बच जाएगा ए, यानी ए कौन क्या होगा, समकोण। ये सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलत सिलेक्ट होगा ना तो ये सब डाटा सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसीलिए ए बी कितना आपके पास, ए बी ये आपके 12 है और ए सी कितना है, ए सी, ए सी आपका 9 है। तो कौन बी, कौन बी आपका ये है आपके पास, तो कौन बी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है जैसे साइन कोस टैन जो भी होता है ना, सबका 6 का 6 टी रेशियो निकलता है, किसके अनुसार, कोण बी के अनुसार, इसके अनुसार लेना है हम लोगों को, इसके अनुसार। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहां क्या दिया हुआ है, तो यहां एसी का वैल्यू दिया हुआ है और फिर इतना एबी का वैल्यू दिया हुआ है 12 और बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 15। हमको सब मिल गया है, बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोण बी के साथ एच। तो ध्यान देंगे हम लोग साइन निकालते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, तो यहां पे हम लोग थीटा को चेंज कर लेंगे। क्यों चेंज कर लेंगे, क्योंकि कोण बी लेना है, कोण बी के अनुसार लेना है, सब निकालना है, तो कोण बी कौन है आपके पास, कोण बी ये है, इसीलिए साइन बी सब यहाँ पे साइन होगा, साइन बी बराबर कॉस बी बराबर टेन बी बराबर, फिर इसी तरह कॉसिक बी बराबर, फिर से बी बराबर और फिर लास्ट में क्या होगा, कॉट बी बराबर। ये सबका वैल्यू निकालना है, यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका मान बताना है आपको। तो साइन बी का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, क्योंकि इसका हमको दे दिया है, ठीक है ना। तो पी किसे कहते हैं, लंब को, और लंब किसे कहते हैं, तो कोण जो लेते हैं सामने वाला भुजा, तो कोण कौन ले रहे हैं, बी, क्योंकि यहाँ पे बी लेना है ना हमको, कोण बी लेंगे तो सामने वाला भुजा क्या है, लंब, लंब कितना होगा ए सी, और एक कर्ण 90 के सामने वाला, हमेशा 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, इसीलिए कर्ण में कितना होगा बी सी। एसी कितना आपके पास है, ए सी 9 है और बी सी कितना आपके पास है, 15 है, यही आपका आंसर हो गया पहला का। फिर दूसरा देखेंगे कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण, आधार कौन है, तो ये हम लोग लेना है कोण बी, तो कोण बी के सामने वाला लंब बन गया, तो ये बच गया एक, तो ये क्या बनेगा, आधार, क्योंकि 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, इसीलिए आपका आधार हुआ कौन, ए बी, और बी सी आपका क्या है, कर्ण, यानी 12 बटा कितना होगा, 15 12 बटा 15, ये दूसरा टेन सर होगा। तीसरा टेन, टेन का सूत्र होता है पी बटा बी, लंब बटा आधार, लंब कौन होगा, बी के अनुसार लंब ये होगा, आधार ये होगा, यानी ए सी, ए सी और बाय में कितना होगा, ए बी, ए सी कितना आपके पास है, ए बी है, ए सी आपके पास है 15 और ए बी कितना आपके पास है 12,
इसीलिए आपका इसका आंसर हो गया। अब इसका उल्टा होता है ये, इसको उलट दीजिए सीधा, इसको उलटेंगे तो सीधा फॉर्मूला क्या होगा, एच बाई पी, एच बाई पी मतलब 12 बटा कितना आएगा 9, क्योंकि इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको उलट देंगे तो एच बाई क्या आएगा बी, तो एच कितना आपके पास है 15 और बी कितना है 12, ये भी आंसर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा कॉट बी का, तो टेन को उलटेंगे तो बी बाई क्या होगा पी, बी बाई पी, बी कितना आपके पास है तो 12 और बाई भी कितना 15, यही आपका आंसर होगा 6 का 6। क्वेश्चन है हम लोग का ये भी, cos a इक्वल टू 3/4, cos a का वैल्यू दिया हुआ है आपका, तो sin a का वैल्यू पूछा आपसे और tan a का वैल्यू पूछा, sin का वैल्यू क्या होगा tan का वैल्यू क्या होगा, इसका मान निकालना है, तो इसको हम लोग हर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ cos a का वैल्यू 3/4 है, cos a का वैल्यू 3/4 आपके पास यहाँ पे दिया 3/4, तो इसके मदद से हम लोग तीनों साइड कैलकुलेट कर लेंगे, कौन कौन, तो लंब आधार कर्ण, तो सबसे पहले इसका कोना देखेंगे, कोना होता है आधार बट्टा कर्ण यानी b बाई एच, तो 3/4 हो जाएगा। और ध्यान देंगे यहाँ पे b का वैल्यू कितना होगा तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा, h का वैल्यू कितना होगा h इक्वल टू 4 हो जाएगा, इसमें बचा कौन आपका P, तो P का वैल्यू क्या होगा कैलकुलेट करना है, P किसे कहते हैं लंब को, लंब का फॉर्मूला क्या होता है तो P इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हम लोग बैक वीडियो में डिटेल चर्चा किए थे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे H का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना आएगा पास 16 - 9, तो कितना होगा 7, पी का वैल्यू कितना आ गया रूट 7, तो पी का वैल्यू 7 आ गया आपके पास, तो पी मिल गया, एच पहले से था बी आपको पहले से था, तो अब क्या निकालना आपके पास, तो निकालना हम लोग को साइन है, तो साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास है पी बटा एच, पी कितना आप निकाले हैं तो पी निकाले रूट 7 और एच कितना आपके पास था एच आपके पास 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या टैन निकालेंगे, तो टैन का फॉर्मूला पी बाई बी होता है, पी कितना आपको निकाले हैं रूट 7, बी का वैल्यू कितना आपके पास है तो बी का वैल्यू आपके पास यहाँ पे था 3, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आया है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है आपके पास, यदि 15 cot a बराबर 8 यानी 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, तब sin a का वैल्यू और sec a का वैल्यू आप ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें, आप हमेशा याद रखें सभी क्वेश्चन को इस टाइप का बनाने का सेम ही तरीका है, सबसे पहले ट्री रेशियो को एक साइड करेंगे और डिजिट को एक साइड करेंगे, sin, cos, tan वनली होना चाहिए केवल एक साइड और अंक वाला एक साइड होनी चाहिए, तो आसानी से आप फिर बन जाएगा, केवल सा बुलाने के लिए दिया था आपको, तो यहाँ है कितना आपको तो 15 cot a का वैल्यू दिया है 8, तो हम केवल cot निकालेंगे, ये वाला होगा 8/15, फिर cot का फॉर्मूला बनेंगे, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है b बटा p, tan उल्टा होता है तो 8/ कितना हो जाएगा 15, तो b बराबर कितना आएगा 8 और p बराबर कितना आएगा 15, तो क्या निकालना हम लोग को h, क्योंकि तीनों चाहिए ना आपको, जब तक तीनों नहीं मिलेगा तब तक ये दोनों नहीं ज्ञात कर सकते आप, तो क्या करेंगे h का फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब हम लोग जानते हैं पहले से, फिर रूट अंडर p का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर, कितना होगा 15 को दो बार गुणा करेंगे तो 225 आएगा और इसको गुणा करेंगे तो 64 आएगा और ऐड कर लेंगे 289 आएगा, 289 का 17 क्या होता है और मूल होता है, तो एच का वैल्यू निकल गया, पी का वैल्यू दिया था, बी का वैल्यू दिया था, तीनों हमारे पास अवेलेबल है, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, अब हम लोग जो ज्ञात करना है उसको लेंगे, साइन ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, पी
कितना आपके पास है 17, और एज का वैल्यू कितना दिया था आपको, तो सॉरी पी आपको 17 नहीं है, पी का वैल्यू हम लोग को दिया था 15 और एज का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए 17, तो 15/17 ये आंसर हो गया। सेक निकालना है तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस के फॉर्मूला का उल्टा, तो कॉस का होता है बी बाई एच, तो इसका क्या होगा एच बाई बी, इसी रेज कितना है 17 और बी कितना आपके पास है तो बी 8 है, इसीलिए आपका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है ये भी, cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1+sin θ टेन टू 1-sin θ बाय 1+cos θ इंटू 1-cos θ का वैल्यू भी याद करें, मान याद करें, बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि ये अंक देखकर घबरा जाते हैं। किस तरह की जितनी भी क्वेश्चन है सबको बनाने का एक ही तरीका है जैसे हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, cot दिया हुआ है, cot θ इक्वल टू 7/8, इसके मदद से हम लोग लंब कर्ण आधार ज्ञात कर लेंगे। तो cot का फॉर्मूला होता है tan का फॉर्मूला का उल्टा, tan का होता है P/B, तो cot का होगा B/P, क्या होगा B/P, यानी आधार बटा लंब, कितना आएगा 7/8, तो B/7, P/8, तो क्या है हम लोग को नहीं है एच नहीं है, एच का फॉर्मूला क्या होता है एच इक्वल टू √√P² + B² पी कितना है 8² प्लस बी कितना है 7² कितना आएगा हमारे पास 64+49 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9×4 13 और 6×4 10 11 113 आया एज का वैल्यू, तो तीनों भी हम लोग को मिल गया, एज का वैल्यू मिल गया बी का पी का, अब हम लोग इसमें भर देंगे तो क्या इसका वैल्यू निकालना है इस सब का, तो क्या है 1+sin θ इंटू 1-sin θ और बाय 1+cos θ इंटू 1-cos θ। और इसमें भाई कैसे वैल्यू बढ़ेंगे तो फॉर्मूला के अनुसार 1+1+ रहेगा, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, फिर इंटू 1-, फिर P/H, फिर ऐसे ही नीचे 1+B/H, फिर ऐसे ही करेंगे 1-B/H और सबका वैल्यू करेंगे, इसका वैल्यू बढ़ते हैं 1+P का वैल्यू कितना आपके पास है 8 है, तो 8/ कितना आएगा 8√113 और फिर 1-, फिर पी का वैल्यू कितना आपके पास 8√113 फिर बाय 1+B का वैल्यू देखेंगे तो बी 7 है, तो 7/ कितना आएगा एच का वैल्यू √113 फिर ऐसे ही 1-7/√113। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस ये बी का रोल प्ले करेगा इंटू a-b, a+b इंटू a-b वही ऊपर भी लागू होगा वही नीचे भी लागू होगा, तो आप जानते हैं क्या जानते हैं ये जानते हैं a+b हो और a-b हो तो फॉर्मूला होता है इसका, इसको याद रखिएगा a²-b² तो मेरा a+b इंटू a-b तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर वैसे ही नीचे भी करेंगे तो कितना होगा 1² - 8/√113 का होल स्क्वायर फिर माइनस सबका बाय फिर 1² - 7/√113 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे सॉल्व करेंगे इसको तो 1² 1 इसको देखेंगे तो 64 इसको देखेंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि ये 8 पर आएगा तो कट है 64 और ये नीचे आएगा तो रूट से स्क्वायर खत्म तो नीचे बचेगा 113। इसी प्रकार 1² 1 रहेगा माइनस इसको दो उतारेंगे तो 49 और सबका बाई इसको इससे उतारेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म तो बचेगा 113। अब लघुत्तम ले लेंगे हम लोग तो लघुत्तम लेंगे कितना आएगा आपके पास
113 ही आएगा ऊपर, ये वाला गुना हो जाएगा 113 माइनस 64 और फिर क्या आएगा, तो फिर आपका आएगा नीचे भी 113 ही आएगा, फिर ये वाला होगा कितना 113 माइनस 49, 113 से 113 खत्म हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 13 में से 4 गया तो 9 आएगा, ये बचा कितना 10, 10 में से 6 गया 4 और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 13 में से 9 गया तो ये 4, यही आपका आंसर आएगा 49 बटा 24। इसको बनाने का एक और तरीका है शॉर्ट कट, अब सही आंसर हो गया। इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग सेकंड मेथड से बना लेते हैं। यही भी हम लोग लागू कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी लागू करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको जानकारी के लिए बता दें, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फॉर्मूला बताएंगे, बगल में बता देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू और साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर जानकारी है तो डायरेक्ट बन जाएगा, ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये सब नहीं, ये सीधा दिया है वही डायरेक्ट बन जाएगा आपका सेकेंड मेथड से। खाली यहां लिख दीजिएगा कॉट थीटा बराबर सर बटा आठ और यहां से देखते आप ये बना लीजिएगा, तो इसके ऊपर क्या बढ़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर क्या बढ़ेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं कॉस बाय साइन, ये फॉर्मूला बता चुके हैं, क्या बताया है कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉन थीटा, क्योंकि मैथ में हम लोग जानते हैं कॉस बाय साइन, तो ये कॉस बाय साइन कितना होगा कॉट, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, और कॉट का वैल्यू दिया था कितना दिया था तो 7/8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना आपका कितना आएगा 49 बाय कितना 64। आप डेट ऐसे कर सकते हैं अगर ये फॉर्मूला याद होगा तब, और यहाँ पे वही सूत्र लगा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में ये सूत्र लगाएंगे और बाद में ये वाला ये बराबर है ये। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 3 tan θ = 4 तो 4 cos θ - sin θ / 2 cos θ + sin θ का मान ज्ञात करें। सबको एक ही तरीका से बनाएंगे जैसे हम लोग अभी बनाए हैं, तो दिया क्या आपको, तो यहाँ पे आपको दे दिया 3 tan θ का वैल्यू, यहाँ से tan थीटा निकल जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला बनेंगे, tan का फॉर्मूला होता है d बटा यानी p बटा b 4/3, तो p इक्वल टू 4 b इक्वल टू 3, तो यहाँ पे h का वैल्यू निकाल लेते हैं, h का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p कितना के पास है तो p 4 है तो 4 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर कितना आएगा 16 + 9 कितना आएगा 25 कितना आएगा 5, h निकल गया, p था b था तीनों हम लोग को मिल गया, अब जो निकालना है उसमें भर देंगे, निकालना कितना है 4 cos θ - sin θ / 2 cos θ + sin θ। अब क्या करें, जहां पे सूत्र है वहां सूत्र भरेंगे, जहां अंक है उसे छोड़ देंगे, 4 का 4 यहाँ cos का फॉर्मूला होता है क्या तो b बटा h, साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h सबका y, 2 का 2 cos का फॉर्मूला होता है b बटा h प्लस साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h सबका वैल्यू भरेंगे, तो 4 का 4 इंटू का इंटू b बराबर, तो 3 बी का वैल्यू 3 है तो 3/h का वैल्यू कितना हम लोग निकाले 5, तो
पांच, ठीक है। फिर माइनस तो माइनस, पी का वैल्यू कितना है चार है, और एच का वैल्यू कितना है भाई में पांच। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, फिर भरेंगे टू इंटू बी बराबर थ्री एच बराबर पांच प्लस, इसी को हम लोग लिख देंगे चार बाई कितना आएगा पांच, क्योंकि पी बाई बी है। अब हम लोग पहले गुना कर लेंगे इसको, तो गुना करेंगे कितना आएगा, ऊपर गुना होगा तो जल्दी बारह बटा पांच माइनस चार बटा पांच, ठीक है, और सब का भाई। फिर नीचे गुना करेंगे तो छ बटा पांच तो प्लस चार बटा पांच। अब लघुत्तम लेंगे हम लोग तो ऊपर पांच, पांच का लघुत्तम पांच ही होगा तो कितना आएगा बारह माइनस चार। फिर नीचे लघुत्तम लेंगे हम लोग तो पांच ही आएगा, फिर कितना आएगा आपका छ प्लस चार, तो बारह में से चार जाएगा कितना आएगा तो आठ, ये पांच से पांच कट जाएगा क्योंकि हर हर में है, और ये जुटेगा तो छह चार कितना होगा दस, ये कट जाएगा फिर तो कितना आएगा चार और पांच, चार दोना आठ पांच दोना दस, तो चार बटा पांच ये आपका आंसर हुआ। अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है आपको, तो सोल्यूशन में हल करते हैं, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है और आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा, तो कैसे करेंगे वही तरीका है, पहले हम लोग तीनों ज्ञात कर लेंगे। कॉस थीटा दिया है बारह बटा तेरह, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, कितना आएगा बारह बटा तेरह, तो बी का वैल्यू कितना आया बारह और एच का वैल्यू कितना है तेरह, हम लोग को P और H मिल गया, P नहीं B मिला, और P का हम लोग को ज्ञात करना है, तो P कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो फिर P का फॉर्मूला बनेंगे, P इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या होता है तो एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, एच कितना आपके पास है तेरह के स्क्वायर माइनस बी कितना है बारह, बारह के स्क्वायर तो तेरह के स्क्वायर 169 होता है, बारह के स्क्वायर 144 होता है, इसीलिए इसको घटाएंगे तो 25 आएगा, तो P का वैल्यू 5 आया। फिर हम लोग को तीनों मिल गया, P का वैल्यू मिल गया, H का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया, अब क्या करेंगे LHS लेंगे और उसमें भर देंगे, तो क्या लेंगे LHS कितना है साइन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग जानते हैं पी बटा एच, ये साइन का फॉर्मूला है लंबाटा कट, इंटू वन माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंबाटा आधार, यानी पी बटा बी। अब पी का वैल्यू इधर से लोग देखेंगे पांच है तो पांच, एच का वैल्यू देखेंगे तो तेरह है तो तेरह, फिर हमने वन माइनस थ्री पांच बाई, और बी का वैल्यू कितना था बारह, कितना आएगा पांच बटा तेरह गुणने, इसको सॉल्व करेंगे तो बारह माइनस पांच बाई बारह, फिर इसको पांच गुणने इसको हटा देंगे तो कितना आएगा सात, अब बाई में कितना तेरह गुणने बारह, इसको सॉल्व करेंगे तो पैंतीस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा एक सौ छप्पन, ये आपका आर के साथ आ गया, यही हम लोग को प्रूफ करना था, क्या लिखेंगे अब तक LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो गया, यही आपको प्रूव कर दिया। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, दिया क्या है cot थीटा का वैल्यू दिया है, तो cot थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, यहाँ cot थीटा का वैल्यू दिया है, हम लोगों को क्या करना है फिर तीनों निकालना है, कौन कौन P, B और H, किसकी मदद से जो दिया है किसकी मदद से, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब क्या होता है cot थीटा, तो थ्री बाई फोर, तो B इक्वल टू कितना मिला तीन, और P इक्वल टू कितना मिला चार, इसमें कौन नहीं है H, H का वैल्यू निकाल लेते हैं, एच का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना होता जी। अब क्या करेंगे वैल्यू बढ़ेंगे, पी का वैल्यू फोर का स्क्वायर
और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 कितना आएगा 5। तो एच निकलेगा हम लोगों को 5, पी मिल गया 4 और बी मिल गया 3। इसको लम करते हैं, इसको आधार करते हैं, इसको कर्ण करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे, फॉर्मूला बढ़ेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो एल एच एस कितना के पास है 200 से थीटा माइनस कोसेक थीटा और सबका भाई ये थीटा है कितना आएगा कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये ना आपका एल एच एस में है जी। इसको हल करके 1/ कितना लाना है रूट 7 को लाना है। तो क्या करेंगे हल करेंगे, चलिए तो रूट 100 से का फॉर्मूला तो कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या होगा से तो कॉस का होता है बी बटा एच, तो उल्टेंगे तो क्या होगा एच बाय बी, कितना होगा एच बाय बी। फिर माइनस इसका साइन का उल्टा तो साइन का पी बटा एच, तो इसका क्या होगा एच बाय पी। अब क्या करेंगे फिर नीचे सबका वाई, क्योंकि इसका फॉर्मूला है फिर माइनस फिर इसका फॉर्मूला ये, फिर यही चीज को हम लोग लिखेंगे फिर एच बाय फिर क्या आएगा पी प्लस फिर क्या आएगा एच बाय पी, ये सबका बड़का ब्रैकेट में होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग हल करेंगे, तो करते हैं बराबर देगा फिर रूट 100 एच का वैल्यू कितना आपके पास 5, तो 5 भराएगा बी का वैल्यू कितना है आपके पास 3, तो कितना होगा 5/3 माइनस एच का वैल्यू कितना है 5, तो 5 और पी कितना आपके पास है तो पी आपका 4 है तो 5/4, फिर इसी चीज को माइनस प्लस में देना है तो 5/3 फिर प्लस फिर कितना 5/4। अब लघुत्तम लेंगे अंदर तो 3 और 12 का लघुत्तम कितना आएगा, सॉरी 3 और 4 का लघुत्तम 12 आएगा छठी बार, यहाँ पे हम लोग 12 लिख देंगे और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये गुना होगा कितना होगा 5 × 20 माइनस ये गुना कितना आएगा आपका 15 फिर सबका 22, फिर नीचे लघुत्तम लेंगे हम लोग तो 12 फिर ये गुना होगा तो 20 माइनस और कितना आएगा 15। तो क्या करेंगे हम लोग ये बट्टा का बट्टा कट जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा आपका रूट 100 5/5। तो यहां पे प्लस है यहां प्लस यहां जुट जाएगा 35 हो जाएगा। अब ये कटेगा तो कटेगा तो कितना आएगा आपका 7 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 1/√7 होगा, इसी को हम लोग आरएचएस कहेंगे, पूर्ण हो गया। और लास्ट में लिखेंगे एंस मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस रूट, क्योंकि यही हम लोग को लाना था, ये हम लोग को आ गया आसानी से क्योंकि यहाँ पे प्लस छूट रहा था इसलिए नहीं आ रहा था, यहाँ पे प्लस है और सॉल्व करने के बाद 7/35 कट जाएगा तो रूट में बचेगा ये 1 का रूट 1 होता है, यही तो लाना था आर एच एस में, आर एच एस आ गया। ये आपका 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यदि a tan a = 15 है तो आपको साइन ए प्लस कोस ए का वैल्यू पूछा है, इसका मान क्या होगा तो दिया कितना है, दिया है 8 tan a इज इक्वल टू 15। हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि इधर 1D त्रिकोणमितीय अनुपात होनी चाहिए, तो केवल हम लोग tan निकालेंगे ये वाला 22 में जाएगा तो 15/8 हो जाएगा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है तो b/p कितना आएगा 15/8, तो p बराबर कितना आएगा 15 और b इक्वल टू कितना आएगा 8, तो h का वैल्यू कितना होगा 1, h कैलकुलेट कर लेंगे h इक्वल टू रूट 100 पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा रूट 100। अब पी कितना आपके पास है तो 15 है, 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर कितना आएगा
तो 225 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर फिर 64 कितना आएगा 289 जोड़ने के बाद कितना आएगा 17 इसका वैल्यू 17 होता है। पी मिल गया बी मिल गया एच मिल गया इसका वैल्यू निकालना है तो निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच प्लस कॉस का बी बाई एच पी कितना आपके पास है तो पी 15 है एच कितना आपके पास है 17 है प्लस बी कितना आपके पास है 8 है फिर 17 है सॉल्व करेंगे तो 17 लघुत्तम होगा तो कितना बचेगा 15 प्लस 8 कितना होता है तो हम ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा 23/17 यही आपका है।